Hello everyone, so this video is going to be little bit special just because of in this video I am going to discuss about the AIT. AIT is Army Institute of Technology, which is located in Pune and established in 1994. This college provides a 4-year duration course of Bachelor Engineering in 4 branches: Computer Science, Electronics and Telecommunication Department, Information Technology and Mechanical Engineering. There are 360 seats, 120 seats for Computer Science, 120 seat for electronics, 60 seat for mechanical, and same 60 seat for IT. Okay, this is the officially data, and in this video I am going to discuss some doubts. Okay, also make sure you do not skip any part of that video. So let's get started. सो स्टार्ट करते हैं हम अपना अनऑफिशियली डाटा, कॉलेज का शेयर करेंगे सब कुछ, ठीक है? वो तो थोड़ा ऑफिशियली हो गया. तो सबसे पहले तो ये डाउट आते कहाँ से, क्वेरा, ठीक है? काफ़ी लोग जो भी एडमिशन लेने जा रहे होते हैं ना, वो वहाँ से पढ़ के आते हैं, ठीक है? वहाँ पे एक काफ़ी फेमस क्वेश्चन, मैंने भी अपने टाइम पे पढ़ा था, मुझे भी वो डाउट आते हैं कि वहाँ पे कुछ थोड़ी निगेटिव चीज़ें लिख रखी हैं कॉलेज के बारे में, तो वो कौन कौन सी चीज़ें, वो भी अपन डिस्कस करेंगे. वहाँ पे एक आंसर, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है? आज नहीं तो कल पढ़ोगे तुम. वो किसी सीनियर ने लिखा है, आई थिंक 17 में लिखा था, 2017 में. वहाँ पे ऐसा बोला कि वो किसी काम से मैनेजमेंट के पास जाते हैं एंड दे अप्रोच अ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट हैज़ आस्क हिज पेरेंट रैंक, कि आपके फादर की क्या जो भी रैंक थी, फिर उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीट करें. तो यही बोलूँगा यार कि ऐसा नहीं होता है. आप 4 ईयर पढ़ने आ रहे हो, ठीक है? आप एक प्लेसमेंट लेने आ रहे हो, अच्छा सा मैनेजमेंट का आपसे कोई कनेक्शन नहीं होता, उन्हें बस फीस जा रही होती है, फीस मिल रही होती है, डेट्स ऑल, ठीक है? वो आपको नहीं, आपको कोई वर्क काम होगा वहाँ पे, ना ही उन्हें आपसे कुछ काम होगा. तो आई थिंक कभी हुआ होगा बट ऐसा सीन नहीं होता, ठीक है? जेन्युइन किसी के साथ हुआ होगा, उन्हें दिल पे लगा होगा, थोड़ा काफ़ी बुरा लगा होगा, मुझे लगता है जो, ठीक है? डेट इज़ वाई उन्होंने ऐसे मतलब कमेंट किया. तो यार टोटल 60 सीट होती है, मैंने अभी बताया था 360 सीट होती है ऑफिशियली, बट ऐसा नहीं है. टोटल आई थिंक 368 सीट होती हैं. अब 8 सीटें आती खाती हैं, 8 सीट की आती हैं PMO ऑफिस के रिकमेंडेशन से, जो रिकमेंड करते हैं. तो मान के चलो तुम्हारे बैच में, ठीक है, 61 फॉर ईच क्लास स्टूडेंट होने वाले हैं, ठीक है? ये डाटा कहीं भी मेंशन नहीं है, ये सीक्रेट डाटा है अपना, ठीक है? तो कहीं भी नहीं मिलेगा ऐसा कि कहीं पे भी है, बट ऐसा होता है, ठीक है? 61 होते हैं स्टूडेंट. और तो अब बात करते हैं प्लेसमेंट कट ऑफ क्या होता है. तो कट ऑफ की बात करें तो सबके मन में पहले तो ये एक डाउट और आता है कि CSIT को हम लोग NIT से कंपेयर कर सकते हैं. तो मैं यही बोलूँगा, या बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो तुम CSIT के ब्रांच को, ठीक है? ये काफ़ी लोगों का डाउट होता है, ठीक है? लोग पूछते भी हैं कि कंपेयर करें कि नहीं, क्योंकि अब प्लेसमेंट की बात करें, टॉप जो भी टॉप NITs है ना, उनके प्लेसमेंट जरूर एवरेज रहता है उनका 17 लाख या 15 लाख प्लस, बट बात कि जो भी NITs है ना, उसके कंपैरिजन में AIT का प्लेसमेंट काफ़ी सुपर है. अभी मैं बताऊंगा अभी प्लेसमेंट का स्टैटिस्टिक क्या है. सो अब बात करें अगर कट ऑफ की, ठीक है? तो CS के लिए तुम मेक श्योर अपना कर लेना कि तुम्हारी 96% प्लस हो, एक सेफ जोन के लिए मैं बता रहा हूँ. बट हो सकता है 95 पे भी तुम्हें CS मिल सकती है, ऐसा कोई वो नहीं है, बट एक सेफ जोन के लिए बता रहा हूँ, 96 रख लेना अपना, ओके? एंड IT के लिए तुम ध्यान रखना तुम्हारी 94.5 प्लस ही परसेंटाइल हो, मतलब 95 के. एंड ENTC के लिए 92 या 93 प्लस, ठीक है? सेफ जोन के लिए 92 प्लस भी चलेगा. एंड मैकेनिकल के लिए 91 या 90 प्लस, ठीक है? क्लियर के. एंड मैकेनिकल का काफ़ी बैक में गया था कट ऑफ, उसका रीजन मैं बता देता हूँ. ज़रूरी नहीं है कि इस साल अगर आपकी रैंक 1 लाख के अंडर है ना, तो सेफ जोन में हो आप, ठीक है? आपको चांसेस है, मिल जाएंगे काफ़ी सारी चीज़ें. और मैं क्लियर कर दूँ कि जिनको ENTC ब्रांच मिलती है बट वो IT जाना चाहते हैं, जब तुम्हारी लिस्ट आएगी ना, फाइनल लिस्ट निकलेगी अभी, ठीक है? आई थिंक अभी तो कॉलेज की एप्लीकेशन चल रही होगी. जब फाइनल लिस्ट आए, अगर तुम्हें ENTC मिली है और तुम्हारे ऊपर मतलब कि जस्ट ऊपर एक बंदे को IT मिल रही, तो मैं यही बोलूँगा अगर तुम्हें IT चाहिए तो एडमिशन ले लेना, क्योंकि चांसेस होते हैं स्टार्टिंग के 10-15 बच्चे वो कैंसिल करने वाले होते हैं एडमिशन, क्योंकि उनके और भी रिजल्ट्स होते हैं, वो कहीं और एडमिशन ले लेते हैं तो कैंसिल हो जाती हैं. बाकी जो ब्रांच ENTC मैकेनिकल को होते हैं वो अपग्रेड हो जाते हैं, ठीक है? ये चीज़ चली थी कोविड में, लास्ट ईयर यही चीज़ चला था, जिसकी वजह से रैंक काफ़ी पीछे गई थी मैकेनिकल की, ओके? तो मैं बोलूँगा नहीं कि इस साल भी ऐसा हो, बट हाँ ठीक है, कुछ बंदे कैंसिल करते हैं. अगर एक दो बंदा तुम्हें ENTC मिली, जस्ट ऊपर वाले बंदे को तुम्हें IT मिली है, तो एडमिशन ले लेना, तुम्हें IT मिल जाएगी डेफिनेटली. ये तो कॉलेज के बारे में हो गया, कट ऑफ के बारे में.
अब बात करते हैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक की, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है अपने लिए कि एक कॉलेज में आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं 4 ईयर, तो एक प्लेसमेंट अच्छा खासा लेके जाएं हम लोग कॉलेज से। तो प्लेसमेंट की बात करूँ तो ओवरऑल कॉलेज का जो एवरेज प्लेसमेंट इस साल का था वो था 9,45,000, ठीक है। एक डिसेंट प्लेसमेंट है कॉलेज का एवरेज, ठीक है, मैं बुरा नहीं बोलूँगा। अगर बात करें ब्रांच वाइज प्लेसमेंट की, तो CS की बात करूँ मैं कंप्यूटर साइंस की, तो उसका एवरेज प्लेसमेंट जो रहा था वो था 11,45,000 एंड द हाईएस्ट प्लेसमेंट रहा है जो वह 39 लाख, ठीक है, ये CS का था। इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एवरेज प्लेसमेंट रहा वो रहा 6,85,000, 6.85, एंड जो हाईएस्ट प्लेसमेंट था वो 19.60 लाख, ओके। एंड मैकेनिकल का जो प्लेसमेंट की बात करें तो मैकेनिकल का जो एवरेज रहा है वो रहा है 4.60 लाख, ठीक है, 4,60,000, एंड जो हाईएस्ट था बोला 10 लाख के आसपास कुछ है, सॉरी 8 लाख के आसपास है, ठीक है। एंड IT की बात करूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन उसका एवरेज प्लेसमेंट रहा था कि 10,85,000 एंड द हाईएस्ट प्लेसमेंट वाज 39। अब हाईएस्ट प्लेसमेंट भी देख लिया अपने 39 लाख, ठीक है। अब एक डाउट होता है ENTC वालों का बता दूँ, ठीक है, कि कहोगे हाईएस्ट काफ़ी कम नहीं है 90 लाख, तो ऐसा नहीं है यार। इस साल का स्टैटिस्टिक बताता हूँ ENTC के लिए, जो बंदे तो है ना 2022 में पास हो रहे होंगे, उनका सीन ये है कि रिसेंट में अभी पोस्ट आई थी कॉलेज से 8 लोग अमेजोन पे प्लेसमेंट हुए हैं 30 लाख पे, ठीक है। 5 बंदे अपने कंप्यूटर से थे जो भी सीनियर्स थे, दो सीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स से थे एंड 1 सीनियर वाज फ्रॉम IT डिपार्टमेंट। तो मान के चलो कि ENTC का जो हाईएस्ट इस साल रहेगा ना 2022 में वो रहेगा 30 लाख, तो मान के चलो अभी के। अभी और भी प्लेसमेंट हो सकता है, किसी का माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट हो जाए या किसी में भी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाए, आई होप हो जाए, ठीक है, तो मे भी हो सकता है प्लेसमेंट बढ़े भी, ठीक है। तो ये तो कुछ प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट का ये बोलूँगा डिसेंट प्लेसमेंट है। मैं अभी लिंक्डइन पे एक पोस्ट चेक कर रहा था एक सीनियर की, ठीक है, अमन सर की, ठीक है, उन्होंने तो डाल रखा था उनके मतलब अमेजोन में, उन्होंने बताया उन्होंने ऑफर कहाँ कहाँ से आया था, अमेजोन पे, माइक्रोसॉफ्ट से एंड मिंजी ऑरेंज करके, ठीक है, काफ़ी सारे ऑफर थे बट उन्होंने अमेजोन लिया, सेलेक्ट कर लिया। मतलब प्लेसमेंट अच्छा खासा होता है, ठीक है। गूगल में तक प्लेसमेंट हुए हैं, एक सर हैं, ठीक है, राहुल सर, उनका गूगल में भी प्लेसमेंट हुआ है। तो मैं प्लेसमेंट का यही बोलूँगा, अगर CS IT मिल रही है तो तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, और कोई ऑप्शन भी अगर बेटर ऑप्शन नहीं है, ठीक है, NIT में किसी लाइक बिलो 5 NIT में तुम किसी और ब्रांच को ले रहे हो एंड यहाँ पे तुम्हें CS IT मिल रही, तो मैं ये बोलूँगा गो विद CS and IT, ठीक है। आंटी अनलेस एक रीज़न मैं बताऊँगा क्यों तुम्हें NIT जाना चाहिए एंड IIT में नहीं आना चाहिए, इसका भी एक रीज़न बताओ। एक निगेटिव चीज़ है जो मुझे पर्सनली लगा, ठीक है, वो भी मैं शेयर करूँगा। एक्चुअली वो चीज़ ये है कि जो मुझे कॉलेज में एक चीज़ जो ख़राब लगी ना उस कॉलेज में, वो ए फीस इज लिटरली सो हाई यार, मतलब 1,85,000 या कुछ है सच फर्स्ट ईयर की, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। बट ये बॉयज़ के लिए मैं बोलूँगा, क्योंकि गर्ल्स के लिए काफ़ी सारी स्कॉलरशिप आती है तो उन्हें मिल जाती है 40,000, 50,000, 1 लाख तक की स्कॉलरशिप, ठीक है। 2-3 स्कॉलरशिप मिल गई तो मैं 40,000 की बस तुम्हारा काम हो गया, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए तो मैं इतना नहीं बोलूँगा, बट बॉयज़ के लिए ज़रूर बोलूँगा, अगर फीस का देख लेना यार, क्योंकि हॉस्टल का फीस जाओगे ना, हॉस्टल का फीस भी मिक्स करोगे ना, तो ये एवरेज लाइक 3 लाख के ऑलमोस्ट पहुँच जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ तुम देख लेना यार। तो पूरे कॉलेज में जो मुझे सबसे नेगेटिव चीज़ लगी, जो मेरे पर्सनल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मुझे यही लगा कि फीस स्ट्रक्चर लिटरली काफ़ी ज़्यादा है इनका, ठीक है, तो वो तुम देख लेना अगर तुम्हें NIT में कोई और ब्रांच में मिल रही है, ठीक है, बट फीस थोड़ी कम है तो चेक कर लेना है। देखो बस मैंने पॉइंट बता दिया, सिर्फ फीस का मामला है एंड बाकी तुम्हें अपॉर्चुनिटी एक्सपोजर तुम्हें कॉलेज में काफ़ी सारे मिलने वाले हैं, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। काफ़ी सीनियर्स अच्छा फोड़ रहे हैं एंड जो भी अभी भी मेरे साथ के दोस्त हैं वो भी लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। शायद एक बंदा तो फर्स्ट ईयर में ही कैंडिडेट मास्टर बना था कोड फोर्स में, उसने फोड़ा था, ठीक है, मतलब अमेजिंग था यार, मतलब मैंने तो अकाउंट भी नहीं बनाया था उस पर, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे होंगे, तो आई होप काफ़ी डाउट क्लियर हुए होंगे तुम्हें एंड इफ़ यू हैव एनी पर्सनल डाउट देन यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, मैं उसका आंसर भी दे दूंगा, ट्राई करूंगा मतलब पूरा आंसर। एंड हाउ, एक चीज़ और बताता हूँ तुम्हें कि हाउ टू अप्रोच अ सीनियर ऑफ एनी कॉलेज, ठीक, किसी भी कॉलेज में जाने से पहले उससे अगर तुम्हें किसी बंदे से पर्सनल बात करना जो उस कॉलेज में कॉन्टैक्ट, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम फेसबुक पे जाना, ठीक है, सर्च करना जिस भी कॉलेज में जाना उस कॉलेज के बारे में, ठीक है, मैं ट्रिक बताऊँ कैसे तुम्हें बंदे मिलेंगे,
ठीक है, उस कॉलेज के बारे में सर्च करना। अब कॉलेज के क्लब होते हैं काफ़ी सारे, रोबोटिक्स क्लब, टेक्निकल क्लब, OSS क्लब, गूगल डेवलपर सोर्स क्लब, ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे क्लब्स होते हैं। उनकी लिस्ट निकालो, देखो कि उनकी पोस्ट किसने की है, किसने उस पर रिएक्ट किया है, किसने उस पर कमेंट किया है, वहाँ से तुम्हें बंदे मिल जाएंगे, ठीक है। उन बंदों को अप्रोच करो, ठीक है, पूछो उनसे कि क्या मतलब कि मुझे लेना चाहिए एडमिशन, कि इस कॉलेज में नेगेटिव चीज़ें क्या हैं, पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, एक्सपोजर क्या मिलेगा मुझे, ठीक है, एवरेज प्लेसमेंट क्या रहा, जो भी तुम्हें डाउट है ना वो वहाँ पे जाके उनसे पूछ सकते हो। बेसिकली इट इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड आउट द सीनियर ऑफ एनी कॉलेज, ठीक है, ये ठीक ट्राई करना एंड डेफिनेटली ये वर्क भी करेगी, ठीक है। एंड और क्या बताना था तुमको, और तो मुझे कुछ नहीं बताना है। अगर तुम्हें कुछ भी पर्सनल और पूछना हो, ठीक है, तो बता देना, मतलब कमेंट बॉक्स में बताओ, पर्सनल तुम्हें जो भी पूछना हो मैं बता दूंगा डेफिनेटली। एंड ओके, कुछ नहीं, बाय बाय, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।